हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे एक साइट में और उसके रिस्पेक्टिव सेटिंग्स चेक करेंगे। मैंने इस वीडियो के लिए ये वाली थीम यूज़ की है और चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैंने इसे एक नॉर्मल HTML या फिर आप कहें PHP फाइल में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से आप कोई भी फाइल में, जिसमें भी आप, जिस प्लेटफॉर्म में भी आप कंफर्टेबल हैं, इसी तरीके से आप अपनी साइट बना लेते हैं। और ये जो सर्च बॉक्स आप देख रहे हैं, इसके बदले हम अपना सर्च बॉक्स यहाँ डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने उसी थीम को एक नॉर्मल HTML में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे स्पेस एम्प्टी करा हुआ है। जो ये वाला जो सर्च बॉक्स था, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब इसके बदले हम अपना वाला सर्च बॉक्स यहाँ पे लगाएंगे। ये वो सर्च बॉक्स होगा जो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम अपने एडमिन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट सेटिंग्स में जाएंगे। वेबसाइट सेटिंग्स में जा करके यहाँ पे कंबाइंड सर्च बॉक्स है, इसको क्लिक मारेंगे। ये शॉर्ट कोड हम उठाएंगे। ये शॉर्ट कोड हम यहाँ पे पेस्ट करके अपलोड करेंगे। मैंने जगह ऑलरेडी ढूंढी हुई है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया और इसको अपलोड कर दिया। अभी तक रिफ्रेश मारेंगे, हमारा सर्च बॉक्स आ गया। अब सर्च बॉक्स तो आ गया, अब हमें इसका सर्च रिजल्ट्स, ताकि इसमें कुछ भी हम टाइप करके, डेली टाइप करके जब हम सर्च पे मारें तो हमारे को सर्च रिजल्ट्स आना चाहिए। होटल सर्च रिजल्ट्स पेज के लिए मैंने क्या किया, एक नया पेज बनाया होटल सर्च रिजल्ट्स, उसमें हेडर रहने दिया और फुटर रहने दिया, बीच का बॉडी जो है मैंने हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी के बीच में हम सर्च रिजल्ट्स का शॉर्ट कोड डालने वाले हैं। उसके लिए आप आएंगे वेबसाइट सेटिंग्स में, होटल्स में, और होटल्स में देखिए होटल का सर्च रिजल्ट्स पेज, ठीक है। इसको आप शॉर्ट कोड को कॉपी करेंगे, इस शॉर्ट कोड को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये जगह कौन सी है, ये जगह है आपकी हेडर और फुटर के बीच में जो बॉडी सेक्शन है वो है, ठीक है। हमने ये डाल दिया और हमने इसको सेव कर दिया। सेव करके मैंने अपलोड कर दिया। अब इसके बाद हम वापस वेबसाइट सेटिंग्स में आएंगे और यहां पे जो भी URL आपने बनाया है, जैसे ये होटल सर्च रिजल्ट्स है, हम इसको कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे करके मैंने होटल का सर्च रिजल्ट डाल दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे सर्च मारेंगे। सपोज करो हम दिल्ली ही सर्च मारते हैं। सर्च ये अब उसी पेज पे लैंड करेगा जो हमने URL कॉन्फ़िगर किया है और उसके बाद से अब आपकी बुकिंग और कंफर्मेशन तक चीज़ें चलेंगी। इससे हमने होटल इंटीग्रेट कर लिया। अब आप इस पे क्लिक मारें, रूम डिटेल्स आ गई, बुक पे मारें, अब आपके कस्टमर्स यहाँ से बुक कर सकते हैं। अब सेम केस है फ्लाइट इंटीग्रेशन में भी। फ्लाइट में भी जैसे आपने होटल का सर्च रिजल्ट्स पेज बनाया, उसी तरीके से हम फ्लाइट का सर्च रिजल्ट्स बनाएंगे और उसमें उसका रिस्पेक्टिव शॉर्ट कोड डाल करके उसको एडमिन में कॉन्फ़िगर करेंगे। अब उसी प्रकार से मैंने एक फ्लाइट सर्च डॉट HTML बनाया, जिसमें कि हेडर और फुटर मैंने रहने दिया और बीच के बॉडी पार्ट में हम शॉर्ट कोड अपडेट करेंगे। एडमिन में देखिए फ्लाइट का सर्च एंड बुकिंग पेज, मैं इस शॉर्ट कोड को कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे ये वाली एरिया में, जो कि हमारा हेडर एंड फुटर के बीच में जो कंटेंट एरिया है, मैं उसमें यहाँ पे पेस्ट कर देने वाला हूँ और इसको अब मैं क्लोज करके अपलोड कर देता हूँ। अब जो ये URL बन रहा है, इस URL को आपने कॉपी करना है, जो भी आपने पेज बनाया जहाँ पे आपने शॉर्ट कोड पटका है
वो पेज को आपने कॉपी करना है यूआरएल को। इसके बाद जो भी यूआरएल आपने बनाया है, जिसमें जिस पेज पे आपने वो शॉर्टकोड पटका है फ्लाइट का, उस यूआरएल को आपने कॉपी करना है और फ्लाइट्स में जा करके फ्लाइट सर्च रिजल्ट्स पेज का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। ये आपका सेव हो गया। अब हम इसमें चेक करेंगे। वापस मैं होम पेज पे जाता हूँ और फ्लाइट सर्च करता हूँ, कोई दिल्ली टू मुंबई, लेट्स से सर्च। हमारा फ्लाइट भी इंटीग्रेट हो गया, जैसा कि देख सकते हैं अब फ्लाइट भी हमारा इंटीग्रेट हो गया है। अब आपके कस्टमर्स नॉर्मली इसको बुक कर सकते हैं। ये आपका होटल एंड फ्लाइट इंटीग्रेशन फिनिश हो गया। इस सर्च बॉक्स में फर्दर कस्टमाइजेशन के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम बुकिंग इंजन को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं ताकि प्लगइन आपकी साइट से मैचिंग लगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर फीचर का वीडियो चाहते हैं या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।